केंद्र वालों लियांदे ऑर्डिनेंसा दे विरोध च बीबी हरसिमरत कौर बादल वालों केंद्र दी वजारत चो दिते गए अस्तीफे नू हलका फिलौर तो विधायक बलदेव सिंह खैरा ने एक दल्ले राणा फैसला करार दिंदिया बीबी बादल नू कहा कि ओह किसे गल तो ना घबराउण क्योंकि पंजाब दे लोग तुहाडे नाल ने। खैरा ने कहा कि अकाली दल हमेशा किसानां दे हक लई लड़िया है अते अग्गे भी लड़दा रहेगा। उन्हां कहा कि अकाली दल ने हमेशा ही पंजाब दे हित च हर लड़ाई अग्गे हो लड़ी है। केंद्र सरकार वालों किसानां दे हितां दे खिलाफ लियांदे गए खेती ऑर्डिनेंस दे खिलाफ पंजाब दी धी पंजाब दा माण बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने दलेराना फैसला करके मंत्रीमंडल तो अस्तीफा दे दिता और श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब ने ऐलान किया कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दे नाल होके किसानां नूं नाल लैके संघर्ष करेगा। मैं समझदा वी बहुत बड़ा दलेराना फैसला है और बीबा जी तुहानूं इह कहना चाहुंदे आ तुसीं किसे गल तों घबराउणा नहीं, पंजाब दे लोक तुहाडे नाल ने, तुसीं पंजाब दे विच बड़े इतिहासिक काम करवाए ने, बड़े पंजाब दे लोक उन्हां कामां तों खुश ने ते पंजाब दा हर वर्ग तुहाडे करवाए होए कामां तों भली भांति जाणू है और पंजाब दे लोक इस गल तों भी जाणू ने, खास करके किसान इस गल तों भी जाणू ने कि जदों भी कोई पंजाब दे हित दे विच किसी पार्टी ने कोई हक दवाए ने जां लड़ाई लड़ी है जां जेलां तक गए ने तां उह सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे आगू साहबान और श्रोमणी अकाली दल ने ही अगे होकर लड़ाई लड़ी है। सो लंबा समा संघर्ष जिहड़ा वह पार्टियां ही करदियां और मैं समझदा भी जो भी प्रधान साहब का फैसला होगा जां जो भी अगे प्रोग्राम लीकिया जाऊगा उहदा डट के किसान वीरां नूं भी बेनती करदा वी आपां साथ दईए तां कि आपां पंजाब दी किसानी नूं बचा सकीए और आने वाले टाइम दे विच मैं यही तुहानू बीबा जी कहना चाहुंदा है कि तुसी पंजाब दी सेवा करदे रहो, किसानां दे हितां दे विच जो तुसी फैसला कीता है वह फिर दोबारा कहना कि बहुत दलेराना फैसला है, उहदी हर पासे शलाघा हो रही है। बहुत बहुत धन्नवाद जी। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। काले जादू दे माहर बाबा सुल्तान मिर्जा जी जो करनगे तुहाडी हर समस्या दा हल। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लॉटरी लव मैरिज पति पत्नी विचरण बन विदेश विच पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 21 घंटिया विच समाधान मेरे तो पहला कम करन वाले नू मुंह मंगया इनाम हर पासे निराश जो धोखा खा चुके ने एक बार जरूर आओ। फोन नंबर 85 293 80 408।